Hello students, in the last class we have discussed about wool and also completed that topic in which we have discussed about the natural fiber wool. Today we are going to discuss about the silk. Silk क्या होता है? एक natural fiber होता है, ठीक है? Natural fiber means जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हमें एनिमल से या प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये कैसा फाइबर है? ये एनिमल से प्राप्त होने वाला फाइबर है, इसलिए इसको हम एनिमल फाइबर बोल सकते हैं, ठीक है? और ये कैसा होता है सिल्क? सॉफ्ट एंड लस्ट्रस. सॉफ्ट मतलब मुलायम, लस्ट्रस मतलब चमकदार, ठीक है? सॉफ्ट मतलब मुलायम है और लस्ट्रस मतलब चमकदार है. सिल्क कीप्स अस वार्म इन विंटर. सिल्क जो है वो गर्मियों में भी और सर्दियों में दोनों में यूजफुल है, क्योंकि सर्दियों में हमें गर्म रखता है और गर्मियों में हमें ठंडा रखता है. क्यों रखता है ये? क्योंकि ये एज ए इंसुलेटर काम करता है. ये हीट का को कंडक्ट नहीं करता. हीट कंडक्टर, हीट का बहुत ही बैड कंडक्टर होता है ये, मतलब हीट को अपने अंदर से पास नहीं करने देता. इसलिए बाहर वाला जो टेम्परेचर होगा वो शरीर के अंदर नहीं आ पाएगा. अगर बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म रहेगा, अगर बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा रहेगा. तो इसलिए दोनों केसेस में यूजफुल है, समर सीजन में भी और विंटर सीजन में. उसके बाद अब जो हमें सिल्क प्राप्त होता है, हम जानते हैं कि सिल्क वर्म से हमें प्राप्त होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है उससे हमें प्राप्त होता है. तो लाइफ साइकिल क्या होता है सिल्क का? जो मौत होता है, सिल्क का कीट होता है जिससे हमें सिल्क प्राप्त होती है, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, कैसे वो सिल्क प्रिपेयर करता है, ये जानेंगे. इट इज द लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है? इसको हम कैटरपिलर या लार्वा बोल सकते हैं. कैटरपिलर या लार्वा मतलब कीड़े का बच्चा, ठीक है? मैक्बेरी जो मलबेरी सिल्क है, सिल्क मॉथ है, वो क्या है? मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है. मतलब सिल्क मॉथ क्या होता है? रेशम का कीट, ठीक है? सबसे पॉपुलर कौन सा है? मलबेरी वाला, ठीक है? मलबेरी मतलब शहतूत के पेड़ पे जो होता है सिल्क मॉथ, ठीक है? वो सबसे मशहूर है. द फीमेल सिल्क मॉथ, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, यानी कि जो मादा, ठीक है, जो ये कीड़े होते हैं इनमें भी एक जेंट्स और एक लेडीज होती हैं, ठीक है? तो इनके अंदर जो लेडीज यानी कि फीमेल वाला जो कीट है वो उसकी जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फैट होती है, थोड़ा मोटाई में होती है. और वो क्या कर सकती है? 300 से 400 अंडे एक टाइम पे पत्तियों के ऊपर रख सकती है मलबेरी की, ठीक है? यानी कि मलबेरी के अलग अलग पत्तियों पर 300 से 400 अंडे ये एक टाइम में रखती है. फिर क्या होता है, ये एग्स होते हैं जो इनको हैच किया जाता है, मतलब इनको सेया जाता है, जिससे ये क्या बन जाते हैं? हैच करने के बाद इनको वार्म कंडीशन में रखा जाता है, ये क्या बन जाते हैं? ब्लैक सिल्क वॉर्म बन जाते हैं. ब्लैक, ठीक है, यानी कि काले सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीट बन जाते हैं, ठीक है? छोटा हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, ये स्टेज कब तक रहती है? 27 से 28 दिन तक ये स्टेज रहती है, 27 से 28 दिन तक. इसमें क्या बनते हैं? जो एग्स हैं, ठीक है, ब्लैक जो सिल्क वॉर्म्स हैं उसमें कन्वर्ट हो गए हैं और इनको हम बोल सकते हैं लार्वा, लार्वे बोल सकते हैं, ठीक है? लार्वा की क्लोरल फॉर्म है, लार्वे मतलब काफी सारे लार्वा. लार्वा क्या होता है? कीट ही होता है, कीड़ा, ठीक है? और लार्वे क्या होते हैं? वही कीट के बच्चे, ठीक है? ये क्या कर देते हैं कि 27 से 28 दिन के प्रोसीजर के अंदर सेट कर देते हैं अपनी स्किन को, यानी कि अपनी स्किन को त्याग देते हैं, अपने शरीर जो इसका शरीर है उसको त्याग देते हैं 4 times, यानी कि 4 बार 27-28 दिन के दौरान में ये अपनी स्किन जो है 4 बार उतार देते हैं, यानी कि स्किन इनकी उतर जाती है ऑटोमेटिकली 4 times 27-28 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? दिस प्रोसेस, और ये स्किन उतारने की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं मोल्टिंग. क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोलते हैं. ये जो स्किन उतारते हैं 4 बार 27-28 दिन के समय अंतराल के दौरान, इसको बोला जाता है मोल्टिंग, ठीक है? और ये जो है ये फीड करते हैं इनको मलबेरी के ऊपर ही, यानी कि शहतूत का जो पेड़ है वहीं से ये फीड करते हैं, अपना भोजन खाते हैं, ठीक है? और क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं ऐसे ग्लैंड्स जिनमें से हमें सिल्क प्राप्त होती है. इनके शरीर में जो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर से रेशम जो बाहर निकलती है, ऐसे ग्लैंड्स ये डेवलप कर लेते हैं मलबेरी से भोजन प्राप्त करके, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है ये क्या करते हैं, ये फाइन फिलामेंट्स जो इनके मतलब बारीक रेशे जो हैं, ये सिल्क से बारीक रेशे बना लेते हैं. बारीक रेशे बना के किसको फर्दर कोकून्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है? इनके ऊपर, शरीर के ऊपर एक अलग सी
क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है, मोटे तो मोटी सी स्किन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोकून बोलते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कर देंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो स्किन को छोड़ के उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, वो एक एडल्ट सिल्क वर्म बन जाएगा, और कोकून के अंदर से हमें सिल्क प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, सिल्क फाइबर हमें मिल जाएगा कोकून के अंदर से। ये प्रोसेस होती है सारी इसकी, एक सिल्क वर्म की या सिल्क मोथ की लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ साइकिल ये होता है, ऐसे वो एडल्ट फॉर्म में जाता है, बिल्कुल अंडे से लेकर के एडल्ट फॉर्म तक, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो इनको हम क्या बोल सकते हैं, लार्वा या कैटरपिलर, क्योंकि कीट के बच्चे होते हैं। उसके बाद ये मोस्ट कॉमन सिल्क वर्म कौन सा होता है, मेलबेरी वाला, यानी कि जो शहतूत के पेड़ पे उगता है, होता है, सॉरी। उसके बाद जो सिल्क मोथ है, यानी कि फीमेल होती है इनमें, जो मादा जो सिल्क रेशम की कीट है, वो क्या करती है, 300 से 400 अंडे रखती है, किसके ऊपर, पत्तियों के ऊपर, किसकी, मेलबेरी की, ठीक है। उसके बाद इन अंडों को हैच करने के बाद इनसे क्या बना जाता है, ब्लैक सिल्क वर्म निकल जाते हैं अपने आप, ठीक है, ब्लैक सिल्क वर्म निकल जाते हैं इनसे, काले सिल्क वर्म यानी कि रेशम के कीट, ये 27 से 28 दिन के दौरान क्या कर देते हैं, अपनी स्किन, अपनी त्वचा चार बार क्या करते हैं, उतारते हैं, यानी कि अपनी स्किन चार बार इनकी स्किन उतर जाती है, ठीक है। और वो स्किन क्या होती है, स्किन उतारने की प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं किससे, मेलबेरी पेड़ से, ठीक है, यानी कि शहतूत के पेड़ से अपना फीडिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, और डेवलप कर लेते हैं वो ग्लैंड्स, जिनमें से सिल्क क्या होना है, सेक्रेट होना है, सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स ये क्या बना लेते हैं, ठीक है, क्या करके, फीडिंग करके मेलबेरी के पेड़ से। उसके बाद जो सिल्क वर्म है, ये क्या होता है, ये सेक्रेट करता है फाइन फिलामेंट्स, जो ये डेवलप किया है इन्होंने ग्लैंड, इसमें से फाइन यानी कि बिल्कुल बारीक क्या करता है, फिलामेंट्स, रेशम के धागे, सॉरी धागे नहीं, रेशे क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, स्त्रावित करता है, ठीक है, जो फर्दर क्या बना देते हैं, कोकून बना देते हैं। कोकून क्या होता है, रेशों का एक ढांचा बन जाता है जो इसके ऊपरी सिरे को होता है, फिर ये क्या करते हैं, उसमें से बाहर निकल जाते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और उस कोकून में से ही हमें सिल्क फाइबर्स मिल जाते हैं। तो ये होती है प्रोसेस बेसिकली इसकी सिल्क को प्राप्त करने की, और इसका प्रोडक्शन भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, और लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो इसमें आज हम यही जानना था कि सिल्क क्या होता है और कैसे सिल्क वर्म सिल्क को प्रोड्यूस करता है। सो थैंक यू क्लास।